बदला ले लें, फैंटी लगा के उनको। तो हम साथ होकर को फैंटी भी लगी, हमने करेंसली जीता भी, और प्लस कि हमारे फास्ट बॉलर ने हमें इरा याद कराया, दफा लेफ्ट आर्म का फास्ट बॉलर राइट आर्म फास्ट बॉलर का वो वसीम वकार था। एग्जैक्टली फाइनली मुझे रिवर्स स्विंग देखने को मिली, एज देखने को मिला। ये सारी चीजों को अब बुनियाद निकाल ली जाए तो टेस्ट मैच में गुड लुकड बैट्समैन जिसे कहते हैं, जो बॉल बिल्कुल देखते हुए अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ी है जिसमें बड़ी नहीं, फवाद आलम एक्चुअली सेट द टोन। और फिर अगेन उसने टेस्ट की पहली इनिंग्स में को हेल्प की, लेकिन जो फिनिशिंग टच थे जिसकी वजह से पाकिस्तान ऊपर आया, वो एक बंदे का एटीट्यूड नजर, वो जो भाई हमेशा कहते हैं यार कि इसमें कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है, ये इसमें ओम फैक्टर है, इसमें ओम फैक्टर है, इसमें एक्स फैक्टर है, वो हासिल जब जागा है। देखिए इसकी प्रोग्रेशन, देखिए पहले टेस्ट मैच से लेकर तीसरे तक उसकी बॉडी खुलती गई, आता गया कमांड आती गई, फिर उसने डंडों मारे हैं और एक जो डंडाज बॉल मारा वो मेरे ख्याल में बहुत यू नो वो लास्ट टैकेट हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा बॉल था उसने। जब हसन अली जाना उसने जगाया किसको, शाहिन शाह अफरीदी को। शाहिन शाह जब एक फास्ट बॉलर भाग रहा होता है उसी को दूसरे को जब देख रहा होता है कि यार ये अपना पार्ट प्ले कर रहा है, कहां रह गया। आज शाहिन शाह अपना वो जोर लगाया जो T20 वाला था, वो जोर लगाया टेस्ट मैच होता, आज बॉल मारे सौ पे। मैं बार कहता हूँ सर, बॉल मारना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सब पे बॉल मारते हो ना, आप बगले को बता रहे थे भाई साहब आप नहीं मेजर बॉलिंग कर, बॉल मेरे हाथ में आप भागो मैं बॉलिंग करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि खैर क्या है। जो लगे बॉल रबाड़ा सांग निकली, रबाड़ा की टांग पता था कि आप लग जाना बॉल। आज बॉलिंग थी 94, 95, 92, 93, 94, 95, ये क्या शो करता है? द गाइज बैक विद द बैंग, गाइज बैक विद द बैंग ऑफ कि मैं भी हूं, हम भी हैं, आप भी हैं, और ये दो फास्ट बॉलर्स कॉम्प्लीमेंट। अगर पहली इनिंग्स में हसन अली पांच आउट नहीं करता और रिजवान इनिंग्स न खेल देता तो टीम जागती ना, टीम जागने विद एटीट्यूड। एटीट्यूड जो मिसिंग था 10 सालों से जो एटीट्यूड मिसिंग था, बुजदिली वाली क्रिकेट खेलते थे, टिमेट खेलते थे, बात नहीं करते थे, चढ़ के नहीं खेलते थे। आज दो फास्ट बॉलर्स ने विद हेल्प रिजवान फवाद आलम टीम खड़ी हुई, जब टीम खड़ी हुई तो आपको लगा कि यार एक्साइटमेंट वापस आ गई। आज कमेंटेटर खुश थे, कौम पूरी खुश थी, हम खुश हैं, लेकिन देखो सबसे ज्यादा खुशी पता किसको होगी, आज शाम को जो जाके बच्चे ग्राउंड में खेलेंगे, आज कोई हसन अली बनने की कोशिश करेगा, आज कोई शाहिन शाह बनने की कोशिश करेगा, आज बनने कोशिश करेगा, क्या जीत से जनरेशन क्रिकेट स्टार्ट कर दी है। मेरे भाई क्या खूबसूरती से समझाया आपने, इसमें मैं और बात भी करना चाहूँ कि बाबर को भी कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि उन्होंने सीरीज कैप्टन। आप कुछ कह रहे थे, वैसे एक कहावत है कि एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं पता बहुत कुछ कर सकता है हसन अली, पहली इनिंग दूसरी इनिंग। आप चले जाए चैंपियनशिप में जो आपको टीम का नो डाउट फखर में बॉल था पूरे इवेंट में, लेकिन एटीट्यूड जो देखे ना हसन अली का था बिल्कुल, वो पूरे उठा के देख लें बेस्ट बात। टेस्ट मैच खेले और उसके बाद वो इंजरी हो गई और बाहर हो गया, वापिस आया, एक पूरी टीम को कितना अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉलिंग से, अपने क्रिकेटिंग सेंस से टीम को लिफ्ट किया है। जब ये वापस आए फर्स्ट क्लास में, कम मैच शुरू के 2-3 मैच इनके हुए हैं, तो 8 या 9 मैच 11 मैच और पंजाब को जो कि टीम नंबर 6 पे थी, 5 या 6 मैच से नंबर 6, उसके बाद जो परफॉर्मेंस उन्होंने दी है उसके बाद फाइनल पहुंची, और फाइनल इक्वल पीपी के साथ हुआ है। उसके बाद मैच कराची इतनी चलने की जो हमने डिस्कस किया था, सेकेंड इनिंग में आया और उसके बाद उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में की और सेकंड इनिंग में जिस तरह से बॉलिंग किया, जब दूसरी बॉल मिली है फिर शाहीन ने जोर लगाया। शाहीन का मतलब ये था, इंग्लैंड की सीरीज उठा के देखें, आप न्यूजीलैंड की देखें और ये पहला टेस्ट मैच देख लें उठा के, और पहली इनिंग भी देख लें, वो नॉर्मल बॉल कर रहा था, थोड़ा लग रहा था, आज उसने खुल के बॉलिंग की है और आज बाउंसर मारे, आज मारे बाउंसर उन्होंने, सर पे भी मारी और
बहुमा जिसमें आउट हुए उसे दूसरे मिडलर जो है उन्होंने एक रन हुआ है तो आगे से आउट है। इसी तरह शुएब ने बताया एक बाउंसर किया है और अगली बॉल आगे की है तो क्या बाउंसर इतनी हाइट से भी नहीं कर अभी रेस पूरी पर गई थी जोर से मारे हाइट से पता भी नहीं चलेगा बैट्समैन को इतनी क्योंकि नॉर्मल एंगल भी बनेगा ना स्लिप लगेगी उन्होंने पॉइंट निकल जाएगा। शाइन की बात कर रहे हैं जी जी शाइन की ना जो टेस्ट क्रिकेट की जो थी ना उसके अंदर थी ही नहीं न्यूजीलैंड से लेकर पाकिस्तान तक इन विकेटों पे आया ना जब अब पहले टेस्ट पे उसको देखा दूसरे टेस्ट इनिंग्स में देखा तीसरी में देखा फाइनली उसके अंदर फील टेस्ट मैच की बॉलिंग शायद ये होती है। दूसरा जब आप जब कोशिश करते हो ना कि यार ये मैं ये वाला बॉल कर लूं ये वाला बॉल कर लूं ठीक है बॉल शॉल कुछ नहीं होता ये टेढ़ी रहे तू सामने आ भाई एक तेरे इधर है एक तेरे इधर है एक तेरे डंडे में आज उसने एक स्विंग के ऊपर रह के उसने एक मेथड अप्लाई किया क्या कि मैंने छोड़ना नहीं इनको उसने कोई की ही जस्ट रैन जब वो रैन इन ना उसको लेंथ भी मिल गई उसको बाउंसर भी मिल गया तो पता भी लेकिन